हाँ तो बच्चों, आज हम संख्या रेखा पर प्रीमेय संख्याओं को निरूपित करना सीखेंगे। अब ये एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। अब हम पहले पार्ट को करते हैं, 7/4 है। अब 7/4 हमारी एक मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी संख्या बनाएंगे। संख्या हमारे पास क्या बनेगी? 4 से भाग करेंगे, 4 × 1 = 4, शेष बचेगा 3, तो 1 × 3/4। अब इसका क्या हुआ कि ये जो 1 × 3/4 है, 1 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो हम अपनी संख्या रेखा बनाएंगे। इस संख्या रेखा पर हमें पता है धनात्मक है, यहां हमने 0 लिया, इधर -1, यहां ले रहे 0, और जितनी दूरी है इतनी दूरी पर 1 ले लें, उससे आगे 2 ले लें। अब हमें यहां से पता चल चुका है कि 1 तो हमारा ये दिखाई देता है, और जो 3/4 है ये अगले 1 इकाई की भिन्न बनेगी। तो इस अगले वाली 1 से 2 के बीच की इकाई के हम जितना हर है उतने बराबर भाग बनाएंगे, इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो पहले मैंने बिल्कुल अंदाजे से बिल्कुल सेंटर में निशान लगाया, तो ये हमारे दो पार्ट बन गए, जबकि बनाने कितने हैं 4, जितना हर होता है उतने बनाने उसमें। अब ये इसके हम फिर 2 इक्वल बना लें, और इसके फिर 2 इक्वल बना लें, तो हमारे पास ये टोटल 4 पार्ट बन जाएंगे। तो ये हमें इसको दर्शाएगा 1 × 1/4, ये दर्शाएगा 1 × 1/4, और ये दर्शाएगा 1 × 2/4, और ये 1 × 3/4, और यही हमने दर्शाना था। अर्थात ये जो वो बिंदु है जो संख्या रेखा पर 7/4 को निरूपित करता है, इसको हम नाम ABCD कुछ भी दे सकते हैं, और नीचे एक लाइन लिख देंगे बिंदु A संख्या रेखा पर, बिंदु A संख्या रेखा पर 7/4 को दर्शाता है, अर्थात निरूपित करता है। इतना काम आपने करना है, इसी प्रकार से उसको करेंगे। इसके लिए फिर मैं लिख नहीं रहा हूं, तो केवल आइडिया आपको दे रहा हूं। यह हमारी माइनस की संख्या है, प्रीमेय संख्या माइनस में है, तो नंबर लाइन हम बनाएंगे। अब मैंने 0 यहां ले लिया, उधर बहुत धनात्मक जाने थे पूर्णांक, हमारे पॉजिटिव इंटीजर जाने थे, तो इधर इसकी संख्या बनाने लगे बनी, तो हमारे इस साथ क्या हुआ, ये 1 − 1 से छोटी है, तो यहां 0 से 1 निशान लगाया, ये हमारा -1 आ गया। अब जितना यहां पर हर है उतने इसके बराबर भाग बना लें 0 से -1 के, तो अंदाजे से निशान लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो अब हमारा -5/6 किसको दर्शाएगा? ये जो पॉइंट है ये बनता है -1/6, ये -2/6, ये शो करेगा -3/6, -4/6, और ये बन जाएगा हमारा -5/6। इसको हम कह सकते हैं -6/6। तो अब हमारा -6/5 कौन सा बिंदु है? ये, इसके ऊपर फिर आपने बिंदु लगा के सर्कल लगा देना है, और इसके ऊपर ABCD कोई भी नाम आप लिखेंगे, और नीचे भी इसी प्रकार से लाइन लिख देंगे बिंदु A संख्या रेखा पर -5/6 को निरूपित करता है। तो ये दो क्वेश्चन आपने फर्स्ट पार्ट के कर लेने हैं, और सेकंड पार्ट आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम कराया जाएगा। 5-6 मिनट की